लग रहे हो, कितना प्यारा कलर आ रहे हैं, इतना जी प्यारा मजा भी आना चाहिए। और आपसे प्यारा तो नहीं है। अच्छा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं मोहम्मद अरशद। मैं हूं जैनब। और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल अरशद ब्लॉग। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे कर दो और बेल आइकॉन के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे कर दे। दुआ कह रही है क्लिक कर दे। क्या कर दे? और आज हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए कुछ नया। तो इसके साथ ही चलिए मैं अपने किचन का आपको तारुफ करवा दूं। बटर पेपर, तवा, प्लेट्स, जादुई टोकरी, याद आया ये एक चिमटा भी है। इस तरफ एक स्लेट है चिकन और सब्जी काटने के लिए। जरा ऊपर आप देखेंगे तो एक चम्मच भी आपको नजर आएगा। सिलेंडर और चूल्हा भी किचन की जीनत बने हुए हैं। ये कढ़ाई भी है, अंडे हैं, चिकन है, ऑयल है, केचप और मायोनीज भी है। और ये इस जगह छुपी हुई है हमारे शवारमे की रोटियां और ये मसाला जात है। ये मैं और मेरी बेगम और ये हमारा किचन है। और ये जो आपको इस तरह मुअज्जज मेहमान नजर आ रहे हैं ये मेरे बच्चे हैं। तो बाय बाय, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। ये चिकन रखते हैं बेगम इधर। ये अंडे भी नीचे रखते हैं। जी बेगम मैं रखता हूँ। ये मसाला जात भी बेगम नीचे रखते हैं। ये शवार में रखते हैं इधर। जी बेगम मैं बता देता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये ले बेगम। जी शुक्रिया। अच्छा ये ले बेगम, आप मसाला बना लें, मैं चिकन धो के ले आता हूँ। मोहम्मद आ जाओ बेटा। चलो जी मोहम्मद भाई, जल्दी से मोहम्मद भाई, क्या हो रहा है यार। चलो जी धुल गया जी। चलो जी शुक्रिया मोहम्मद। हेलो बेगम, चिकन तो धुल गया, माशाल्लाह मसाला भी तैयार हो गया। जी जी। अच्छा बेगम ये स्लेट आप रख लेना छोटी, इस पे मैं चिकन काट लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैनब के पापा मैं आपकी मदद करूँ? नो नो बेगम, हम अभी कर लेते हैं, मर्द लोग हैं हम। बेगम जल्दी करें, आज ईमान से मुझे खुद भी बड़ी भूख लगी हुई है। बेगम आपका काम खत्म हो गया? जी मेरा काम खत्म। मेरे साथ ये थोड़ी मदद करवा दे। बेगम आज मजेदार सी कोई चीज बनानी है आपने। जी जरूर इंशाल्लाह। जनाब के पापा ये सिलेंडर तो ऑन कर दे, मैं मसाला ऊपर रखूं। जी बेगम मैं अभी करती हूं। ये ले बेगम सिलेंडर ऑन हो गया, चूल्हा भी ऑन कर दूं? नहीं नहीं बिस्मिल्लाह। हमार यार आप मेरे लिए पानी तो ले आओ थोड़ा सा। जनाब के पापा मुझे चम्मच पकड़ा दो। जी बेगम मैं पकड़ाता हूँ। चम्मच किधर है? वो ओ अच्छा अच्छा, इधर आओ भाई जी नीचे। ये ले बेगम। शुक्रिया बेगम। कोई दही कोई ऑयल नहीं इसमें डालना? अभी डालना है, अभी आप मुझे ऑयल पकड़ा दे। ये ले बेगम बिस्मिल्लाह। जी शुक्रिया बेगम। मैं घर से वो दही पकड़ लाऊं? हैं जी ले है। ये ले जी बेगम, माशाल्लाह दही भी आ चुका है। जज़ाकअल्लाह बेगम। दही आज आपने किसमें लगा दिया? थोड़ा लगाना था ना इसलिए इसमें लगा। बर्तन देखे माशाल्लाह बेगम ने ढूंढा दही लगाने के लिए। अच्छा बेगम इसका कीमा बना दो। ध्यान से जाना पापा, कहीं लग ना जाए। ध्यान से यार, बड़ी फिक्र है मौल साहब की। पापा अगर चिकन का कीमा हो गया तो हंडिया में डाल दे। जी बेगम सारा चिकन डालना। जी जी जनाब के पापा मैं इसको हिलाती हूँ, आप हरी मिर्चें काटते हैं। अभी काटने वाली हैं ये बेगम। हाँ जी देखें सही साइज है ये। जी जी। और याद आया यार आप लोग भी बच्चों को कुछ बना दिया करो, मेहरबानी है खुदा का वास्ता है। बच्चों के मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि अंकल हमारे पापा को समझाएं कुछ, घर का कोई काम नहीं करते। प्लीज मेहरबानी किया करें, आपको कुछ नहीं बनाना आता तो बेगम को ला के दिया करें, वो पका के बच्चों को खिलाया करें। इससे फिर ये होगा आपकी फैमिली में मोहब्बत बढ़ेगी, अल्लाह ताला और रिजक देंगे इंशाल्लाह। बेगम टमाटर ऐड कर दूं? जी जी जनाब के पापा। जी बेगम हरी मिर्च भी शामिल कर दें? जी जी मैं हरी मिर्च भी यार शामिल करनी होती है, मुझे याद ही नहीं रहता। जी ले जी बिस्मिल्लाह जी, हो गया जी शामिल। जी जी बहुत शुक्रिया। बेगम मैं अभी थोड़ा इसको हिलाऊं है। जी जी मुझे अभी तो पता चले किस तरह पकाते हैं आंटी। तभी ये छुरियां वगैरह संभाल दूं है। जी जी उसको कहीं भी रख दूं और स्लेट भी रख दूं? फारेगा ना? जी ये फारेगा, कोई काम नहीं। जनाब के पापा जी बेगम दो चम्मच मिर्च डाल दे। जी बेगम बेगम कितने कहा था? दो। जी दो चम्मच। हल्दी कितनी डालनी? आधी चमची। आधी बेगम हर रोज आधी चमची। टेबल थोड़ा गंदा हो गया, इसको साफ कर लें। क्यों बेगम किचन धो लो थोड़ा सा। जी जी आप बहुत काम करते हैं। शुक्रिया माशाल्लाह, पहली दफा देखा कोई बेगम तारीफ करती है अपने शोहर। माशाल्लाह बेगम कितना प्यारा कलर आ रहे हैं, इतना प्यारा मजा भी आना चाहिए। आपसे प्यारा तो नहीं है। अच्छा माशाल्लाह। तो बेगम नमक डाल दो ना? जी जी इसके बाद आपने दही भी शामिल करना है। दही कितने चम्मच डालना? अपनी मर्जी से, मैंने अपने लिए भी रखना होता है ना। दही मुझे बहुत पसंद है। आज सच्ची में हमें बिल्कुल नहीं पता कि हम ये क्या पकाने वाले हैं। हम जो भी पकाएंगे ना आप खुद ही उसका नाम रख लेना। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। ओ भाई बाहर नहीं गिरना, बाहर नहीं गिरना, बाहर नहीं गिरना भाई। हंडिया में कितना? हंडिया में पापा धनिया डाल के कढ़ाई को नीचे उतार दें। ओके सर ओके शुक्रिया।
इंटरमिशन। चलो बेगम शुरू करते हैं अपना दूसरा राउंड प्लान बी। 1 2 3। अच्छा बेगम ये ले बाउल, आपने मुझे अंडे फेंट के देने हैं बस। ठीक है बेगम, शवारमे की रोटियां रखते हैं बेगम इधर। बेगम क्या चाहिए, क्या मांग रहे थे? अंडा फेंटने वाला बीटर ला दे मुझे। वो बीटर इंग्लिश में आती है बेगम आपको? माशाल्लाह पापा ने मुझे बोटी देना। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आप लोगों ने ऐसा करना है, शवारमा रोटी लेनी है उसको सिर्फ एक तरफ से पका लेना, दूसरी तरफ से कच्चा रखना है। और बाकी क्या करना है बाद में बताता हूँ। एक प्लेट लेते हैं इधर से, उसको हिलाते भी रहना, ये ना हो कहीं के जल जाए। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ये ले बेगम। माशाल्लाह बेगम ये तो पक गया, दूसरी तरफ से लेना पकाना। बिस्मिल्ला, दो हो गए और ये तीसरा हो गया जी। बिस्मिल्ला बेगम, बस शवारमे रेडी हो रहे लगे हैं, इसकी बनाते हैं वही आइटम जो आपको कहा था, है ना बेटा? जल्दी से रेडी हो जाओ, बस आने लगा खाना। हाँ जी, दूसरा पैकेट खोलना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह जी बेगम, बस दो मीठे बोल की मार होती है। अपनी बेगम से प्यार किया करें यार, मीठा मीठा बोला करें, घर में बच्चों से प्यार किया करें। आपके पास कम पैसे हैं, कम खिला दिया करें, खिलाया जरूर करें। हाँ जी, बोटियाँ खा ली हैं, और खानी है? ओ खानी है नहीं भाई, और माशाल्लाह अभी दो देते हैं, और दे देते हैं। देखिए मोहम्मद मांग रहा है, और मांग रहा है, चौथी बार है ये तो। इसने खानी है बार बार, किसने खानी है? माशाल्लाह जी, शवारमा रोटी हमारी सारी तैयार हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ, प्लान सी। चलिए यहाँ मैं आपको एक ऐप के बारे में बताता हूँ जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। नाम है इसका टैप टैप। ये काम करती है बिल्कुल इजी पैसा और जैज कैश की तरह, लेकिन इसमें दो खूबियां हैं। पहली ये कि आप अंदरूने मुल्क से या बैरूने मुल्क से जिसको भी जितने पैसे भी भेजेंगे उतने ही पैसे उसको पहुंचेंगे। और दूसरी खूबी इसमें यह है कि अगर आप यूज करते हैं मेरा प्रोमो कोड FREE10 तो पहली ट्रांजैक्शन पे आपको बोनस भी मिलेगा। यूए वालों को 15 दिरहम, यूके वालों को 10 पाउंड, कनाडा और यूए वालों को 20 डॉलर, यूरोप एयरलैंड वालों को 10 यूरो। अब बेगम इस तवे को उतार देते हैं, इसके ऊपर रखते हैं ये छोटी कढ़ाई है, इसको क्या कहते हैं? फ्राई पैन कहते हैं यार, कढ़ाई नहीं कहते, आई एम सॉरी। और तवे को रखते हैं इधर किचन में, जो दरख्त लगा हुआ है ना हमारा उधर। चलिए जी, मैं अब आपको बताता हूँ अपना प्लान सी। करना क्या है कि यहाँ से लेना है बटर पेपर, बटर पेपर एक निकालना है, और फ्राई पैन को मैंने ऑयल लगाया हुआ है। बटर पेपर को करना है डबल, बटर पेपर को फ्राई पैन में रख देना। एक शवारमा रोटी लेनी है, वो बटर पेपर के ऊपर फ्राई पैन में रख देना। और वो जो कढ़ाई में हमने मसाला बनाया था ना चिकन का, उस मसाले को आपने शवारमा रोटी के ऊपर रख देना। तो ये जो बेगम ने अंडे फेंटे थे ना, इनको ऐसा करना कि इसके ऊपर डाल देना ऐसे। और यहाँ से लेना है ढक्कन और फ्राई पैन के ऊपर रख देना है, इसको बंद कर देना है और आपको जरा हल्का आंच पे कर देना है। चले जी, हमारी वो आइटम तैयार हो गई है, इसका नाम आप लोगों ने खुद रखना है। बिस्मिल्लाह जी, माशाल्लाह देखें कितना प्यारा कलर है। यहाँ से लेनी है एक प्लेट, और ये जो आइटम तैयार की है ना हमने, इसको निकाल लेना बिस्मिल्लाह करके अपनी प्लेट पे। तो ये देखें कितना प्यारा कलर है। और बच्चे कह रहे हैं इसका नाम ना शवारमा विद पिज्जा रख लें, आप जो मर्जी रख सकते हैं। फिर इसी तरह बटर पेपर लगाना है, शवारमा रोटी रख देनी है, और शवारमा रोटी के ऊपर जो है ना वो जो चिकन तैयार की है ना वो रख देना ऐसे बिस्मिल्लाह करके दी। बिस्मिल्लाह जी, अंडे को फिर इस तरह जरा चिकन में मिक्स कर देना जरा। चलें जी, चूल्हा बंद करते हैं। ये आखिरी पीस माशाल्लाह हमारा रह चुका है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह बेगम देखें कितना प्यारा कलर है इसका। चलें बेगम, केचप और मायोनीज उधर रखें टेबल पे, और बेगम ये प्लेट भी उधर रखते हैं टेबल पे। शुक्रिया जी, शुक्रिया। हाँ बेगम, ये आप टिश्यू रखे उधर टेबल पे। चलो बच्चों रेडी हो, मैं आ रहा हूँ। माशाल्लाह आ रहा हूँ। पहले कौन खाएगा जी? अब दूसरा किसको देना है जी? तीसरा किसने खाना है जी? अब किसको देना जी? बाबा तो किसको देना? मामा। बेगम आपको दे दे, नहीं पहले आप ले लो। नहीं बेगम पहले आप खा ले। नहीं आप खा ले, मेहरबानी मेहरबानी करें, मेहरबानी करें। बच्चे देख रहे हैं क्या कहेंगे, पापा पहले खुद खाते हैं। और ये जी एक मेरा जी ले लू जी। जी बेगम मैं भी खा लू जी। जी माशाल्लाह। और ये जायद इधर रख दूं साइड पे है जी। और इसके ऊपर हम रख दे, केचप भी डाल दूं प्लेट में है। और मायोनीज तो नहीं खानी आप लोगों ने? आप लोग मायोनीज जी जी। माशाल्लाह बेगम खाएंगे। चलो मेरा बेटा शुरू करो, बिस्मिल्लाह पढ़ दी। कैची खाएं, कैची ऐसी करके कैची खानी। और अच्छा अच्छा छोटे छोटे पीस काट दें हम। ठीक है अभी हो जाते हैं बेगम। हम मंदोर दुआ को आप काट दें, अपना और जैनब का मैं खुद काट लेता हूँ। ठीक है
बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जी, दुआ का भी कर दिया जी। चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी टेस्ट करें, बहुत मजेदार है। क्यों जाना मजा मजा, अभी तो खाया नहीं तो। आप भी अपने घरों में ये छोटी छोटी पार्टियां करते रहा करें, अपने बीवी बच्चों को खिलाते रहा करें। इसके आपको दो फायदे होंगे। पहला ये कि एक तो आपके बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी, और दूसरा अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाएंगे। क्यों बेगम जी जी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसान का सबसे बेहतरीन माल, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो अपने बीवी बच्चों पे खर्च करता है। इसीलिए अपनी बीवी बच्चों पे खर्च करते रहा करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, अल्लाह ताला की किसी नई नेमत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।